आपने F1 रेसिंग तो देखी होगी ना, किस तरह एक रेसिंग कार दूसरे के साथ कंपीट करती है। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी ऐसे ही रेसिंग कार की तरह होती हैं, जो अगर सही से इस्तेमाल करें तो दूसरी स्ट्रेटजी को बीट कर सकती हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आपके पोर्टफोलियो पे डेंट भी ला सकती हैं। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी को सीखेंगे जो है रेशो स्प्रेड एंड रेशो बैक स्प्रेड। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा एंड दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले रेशो स्प्रेड्स क्या होते हैं, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ रेशो स्प्रेड्स जो कि होते हैं आपका बैक रेशो स्प्रेड और फ्रंट रेशो स्प्रेड। हम इन्हें अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू भी सीखेंगे। स्प्रेड्स वेरियस स्ट्रेटजीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड स्प्रेड्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी प्री डिटरमाइंड होता है। साथ ही साथ इनका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होता है, जिससे स्प्रेड्स एग्जीक्यूट करना एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड। ट्रेडर रिसीव्स सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम आफ्टर क्रिएटिंग अ क्रेडिट स्प्रेड। ऑन दी अदर हैंड, अ ट्रेडर हैज टू पे अ स्मॉल प्रीमियम वाइल क्रिएटिंग अ डेबिट स्प्रेड। स्प्रेड स्ट्रेटजी के एक्सटेंशन को ही रेशियो स्प्रेड कहते हैं। रेशियो स्प्रेड डायरेक्शनल बेट होती है एंड इसमें बड़े प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी भी होती है। चलिए अब जान लेते हैं व्हाट इज रेशियो स्प्रेड। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो दोनों लॉन्ग और शॉर्ट ऑप्शंस ऑफ सेम टाइप का कॉम्बिनेशन होती है। 2:1 सबसे कॉमन रेशियो होता है रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी में, विच इज सेलिंग टू ऑप्शंस एंड बाइंग वन ऑप्शन। रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी दो टाइप की होती है, फ्रंट रेशियो स्प्रेड एंड रेशियो बैक स्प्रेड। लेट्स टेक अ लुक एट फ्रंट रेशियो स्प्रेड। ट्रेडर्स फ्रंट रेशियो स्ट्रेटजी तब क्रिएट करते हैं जब उन्हें लगता है कि अंडरलाइन की प्राइस स्मॉल रेंज में रहेगी। जनरली एक स्मॉल डायरेक्शनल बायस होता है जो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है रेशियो स्प्रेड क्रिएट करने में। अगर ट्रेडर बेरिश है तो वो पुट रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेगा, और अगर वो बुलिश होता है तो कॉल रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेगा। चलिए कॉल रेशियो स्प्रेड एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। लेट्स से ट्रेडर को लगता है मार्केट 18,700 के ऊपर रहेगा और मैक्सिमम 18,900 तक जाएगा। इस सिचुएशन में ट्रेडर दो 18,900 की कॉल बेच देगा और 18,800 खरीदेगा। इस सिचुएशन में मार्केट अगर नीचे भी गिरता है तो ट्रेडर को लॉस नहीं होगा, बट अगर 18,900 के ऊपर निकल जाता है तो ट्रेडर को लॉस काफ़ी हो सकता है। सिमिलरली ऐसा ही एक ट्रेडर पुट रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी में करेगा, बस उसमें रिस्क तब होगा जब मार्केट एक सिलेक्टेड लेवल के भी नीचे चला जाए। अब देखते हैं रेशियो बैक स्प्रेड। रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है जो बुलिश या बेरिश कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अ ट्रेडर यूजेस कॉल रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी व्हेन ही इज वेरी बुलिश ऑन द अंडरलाइंग एसेट, एंड इफ ही इज बेरिश विद कन्विक्शन देन ही यूजेस पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ये एक लिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी है जो मार्केट ऊपर जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा और नीचे जाने पर स्मॉल प्रॉफिट देगा। हाउएवर अगर ये एक स्मॉल रेंज में रहता है तो प्री डिटरमाइंड लॉस का पोटेंशियल है। अब देखते हैं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड क्या होता है। इसमें ट्रेडर दो ओटीएम कॉल ऑप्शंस को खरीदेगा और एक एटीएम या आईटीएम को बेचेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रेडर ने 17,800 के दो कॉल ऑप्शंस खरीदे एंड एक 17,700 का एटीएम ऑप्शन बेचा है। ट्रेडर को इसमें सबसे ज़्यादा लॉस तब होगा जब मार्केट एक नैरो रेंज में ही क्लोज हो जाए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, एंड इवन फॉल भी होता है तो थोड़ा ही लॉस होगा। इसी तरह पुट रेशियो बैक स्प्रेड भी क्रिएट हो सकती है विद अ बेरिश व्यू। आज के वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको रेशियो स्प्रेड और बैक रेशियो स्प्रेड समझ आया होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इन चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं। टेल अस व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.